इशिता गांगुली हमेशा से लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कृष्णा और माँ वैष्णो देवी की आराधना सच्चे मन से करती आई है और अपनी माँ को हमेशा खुद से ऊपर रखना उनके सक्सेस का किस तरह एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट साबित हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। हाय, मैं हूँ शुभी और ऐसे ही लाइफ स्टोरी वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना और मुझे भी अपना लव एंड सपोर्ट ज़रूर देना। अभी आपके रूम में कौन था? मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। कौन तो था यहाँ पे, कौन था? इशिता गांगुली का जन्म एक बंगाली हिंदू फैमिली में कोलकाता वेस्ट बंगाल में 24 जुलाई को हुआ था। उनके बर्थ ईयर को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है और इशिता अपने फैंस को खुद उनका बर्थ ईयर गैस करके बताने को हर वीडियो में कहती आई है। वैसे विकिपीडिया या दूसरे सोर्सेज को सच माने तो इशिता 1993 या 1994 बॉर्न है। इशिता अपनी माँ के सबसे ज्यादा क्लोज है और उन्हीं के सेक्रीफाइस और सपोर्ट ही रीजन बना उनके सक्सेस का। इशिता बताती है कि उनकी माँ उनकी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रही है। जब कोई भी उनके ड्रीम को इस तरह सपोर्ट नहीं करता था, वहाँ उनकी माँ ही घर छोड़कर उनकी केयर करने के लिए मुंबई आकर शिफ्ट हो गई। आज 6 साल हो चुके हैं इशिता को मुंबई आए और आज भी इशिता की माँ उनके साथ मुंबई अकेले रहती है। इशिता के फादर की जॉब कोलकाता में होने की वजह से वो मुंबई उनके साथ नहीं रह पाते। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अन्नपूर्णा गर्ल्स हाई स्कूल कोलकाता से कंप्लीट की। इशिता बचपन से ही फैशन और एक्टिंग की तरफ अट्रैक्ट होती रही और जब वो 13 साल की थी तभी से उन्होंने बंगाली टीवी शोज में एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मिसेस सिंह रॉय, अन्नपूर्णा, भाषा जैसे शोज में इशिता ने कोलकाता में अपनी पहचान बनाई और अपनी एक्टिंग को निखारा। इसके अलावा कुछ बंगाली शॉर्ट फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया। लेकिन इशिता के सपने ज्यादा बड़े थे और वो भी कुछ बेहतर अपनी लाइफ में करना चाहती थी। इसी वजह से अपना लक ट्राई करने इशिता 7 दिन के लिए मुंबई ऑडिशन देने आई और लकीली उनका सिलेक्शन भी हो गया। वो शो था शास्त्री सिस्टर्स, जो इशिता के करियर का डेब्यू शो बना। इशिता ने अपने एक्टिंग करियर को पहले से और मजबूत बनाने के लिए कोलकाता के गणेश आचार्य डांस एकेडमी से डांस क्लासेस की ट्रेनिंग भी ली। इतना ही नहीं, इशिता भगवान में इतना दिल से विश्वास रखा करती थी कि बचपन से ही भजन गाने का भी उन्हें बहुत शौक था और वो गाना गाने का शौक भी तभी से रखती आई है। मुंबई आने के बाद अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में इशिता इतनी कॉन्फिडेंट नहीं दिखती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब मेहनत और आशीर्वाद दोनों ही साथ हो तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और ऐसा ही जादू इशिता के केस में भी हुआ और इशिता को बैक टू बैक शोज भी मिलते गए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप 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 बढ़ता चला गया। इशिता, तू मेरा हीरो, डर सबको लगता है, इश्क का रंग सफेद, ये है आशिकी, पेशवा बाजीराव, पृथ्वी वल्लभ, इतिहास, लाल इश्क, विक्रम बेताल, महापुराण, जगजननी माँ वैष्णो देवी जैसे कई टीवी शोज के अलावा मेरी प्यारी बिंदु में स्पेशल अपीयरेंस में और मूवी रेस्क्यू में भी नजर आ चुकी है। लेकिन जगजननी माँ वैष्णो देवी और महापुराण में माँ पार्वती और राधा कृष्णा में द्रौपदी के रोल ने उन्हें अलग ही पहचान दिलाई है। गॉडेस के रोल्स मिलते रहने के बारे में इशिता का मानना है कि ऐसे रोल्स को एक्टर चूज नहीं करते, बल्कि भगवान खुद एक्टर को चूज करते हैं। इशिता के आइडल हमेशा से लेट इरफान खान सर रहे हैं और उनकी एक्टिंग से आज भी इंस्पिरेशन लेकर इशिता अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने पर फोकस करती रहती है। लेकिन आप उनकी मेहनत करने के लेवल देखकर शॉक्ड रह सकते हैं। इशिता जगजननी माँ वैष्णो देवी के साथ साथ द्रौपदी का रोल भी एक ही दिन में अलग अलग लोकेशन पे जाकर एक ही दिन में शूट कर दी है और उनकी ये मेहनत ही उन्हें फैंस के दिलों में उतार चुकी है। लेकिन प्रेज करने वाली बात तो ये है कि इशिता दोनों ही रोल्स इतनी खूबसूरती से निभा लेती है कि हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि ऐसे डायलॉग्स और एक्टिंग को डबल वर्क करके टीवी स्क्रीन पर वो इतना इजीली उतार कैसे लेती है। बात करें उनके फेवरेट्स की तो इशिता को फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। उनका फेवरेट सॉन्ग है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, जो उन्हें बचपन से लेकर अब तक मोटिवेशन देता रहा है। इशिता बहुत बड़ी फूडी है और नॉटी भी। उन्हें तरह तरह की आवाजें निकाल कर बात करना बहुत पसंद है। इशिता अपनी फेवरेट है और बचपन की उनके पापा की गोदी में खुद की एक फोटो उनके दिल का करीब हिस्सा है। उन्हें फ्लोरल प्रिंट्स एंड कैजुअल फैशन वियर पहनना हद से ज्यादा पसंद है और वो हमेशा ही कम्फर्टेबल क्लोथ्स पहनना ही प्रेफर करती है। इशिता को डेली एक्सरसाइज करके अपनी दिन की शुरुआत करना पसंद है, साथ ही वो मेडिटेशन करने में भी विश्वास करती है। लास्टली, गॉड में और अपने काम में दिल से विश्वास और अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद की वजह से इशिता लगातार ग्रो करती जा रही है। उनका फोकस हमेशा ही खुद को बेहतर बनाने पर रहा है और ये ही रीजन बना है उनकी कामयाबी का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।